स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो ब्लॉग में, और आई होप आप सब मस्त होंगे और मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लवी के साथ, कहाँ? सिद्धबली मंदिर। लवी कहाँ गए? लवी कहाँ? और भाई 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 सेम है, ठीक है। पहले जा रहे हैं हम लोग सिद्धबली मंदिर घुमा के ला रहे हैं, और वो मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी का वास है, ठीक है। तो चलो, आज हमें हनुमान जी ने बुलाया है। नहीं, ये हमारा बैकपैक हो गया भाई। चलो चलो मम्मी, आशीर्वाद दो, ठीक है। आते हैं हम जल्दी। नहीं नहीं, सही है। चलो बच्चे, चलो ठीक है भाई, हम तैयार हो गए, निकलते हैं। इसमें कंधे वाले अभी, ये बहुत है। प्रोग्राम हो गया चेंज, भाई को अपनी टी शर्ट नहीं आई पसंद और भाई ने कर दी चेंज, तो एक बार फिर से घर आना पड़ा फिर दोबारा से। बस अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, हम लोग पहुँचेंगे, डेस्टिनेशन हमारी है सिद्धबली। उससे पहले पहुँचेंगे हम कोटद्वार, वहाँ से जाके मंदिर, फिर मैं मंदिर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेन चीज मंदिर की थोड़ी हिस्ट्रिकल बताऊंगा, मंदिर में क्या है, कितना पुराना है, किस तरह से वहाँ कितने लोग आते हैं, आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। वहाँ की पूजा वगैरह थोड़ा शॉर्ट दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, और साथ में जिसमें हमने कुछ नहीं खाया, मेरे को बहुत भूख लग रही है, भंडारा। मंदिर का भंडारा बहुत फेमस है, और तो चलते हैं हम एक बार, कहाँ? सिद्धबली मंदिर। फ्यूल हो गया, फ्यूल होने के बाद अभी हम लोग प्लेन में हैं, और यहाँ से प्लेन ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के बाद। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हिल्स एरिया में, कोटद्वार में एंट्री कर लेंगे उत्तराखंड में, अभी यूपी में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचेंगे ना, और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ का टेम्पल, क्या ही टेम्पल। अभी हम पहुंच गए हैं कोटद्वार मार्केट में, जाम काफ़ी था। जाम को पार करने के बाद यहां से 3 किलोमीटर और ऊपर चलना है, फिर उसके बाद हम आपको मिलेंगे। मंदिर के पास में है, और मैं आपको एक बार नजारा दिखाता हूँ, और जाम का मंदिर के पास है, मंदिर टॉप पे है, और यहाँ से देख सकते हो आप भीड़ कितनी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के पास, और प्रसाद ले लिया है। तो शूज निकालने का यहाँ पे बड़ा अच्छी चीज लगी, मैं अभी देखते हैं, ये शूज निकाल रहा है, अच्छे। और जैसे ये शूज़ निकालेगा ना, और यहाँ पर शू दे देते हैं हम लोग, और वो हमको टोकन देते हैं, फिर बाद में जब हम जाएंगे ना, तो टोकन से हमें मिल जाता है। और एक बार नज़ारा मंदिर का, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, छोटी मार्केट है, और प्रसाद। तो अब हम लोग मंदिर की ओर चल रहे हैं, एक बार नज़ारा दिखा दें। भीड़ है, संडे स्पेशल संडे, देख लो भीड़ देखो आप, इसीलिए तो संडे में आए, इसीलिए। भाई सीढ़ियाँ 150 सीढ़ियाँ हैं, 150 सीढ़ियाँ, तो 150 सीढ़ियाँ भाई चढ़ना शुरू करते हैं। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई। तो भाई 150 सीढ़ियाँ हैं, सांस फूलने लगा, एक बार नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपका। यहाँ पे तोड़ना है मेरे को नारियल, और नारियल तोड़ते हैं, यहाँ पे एक प्रथा है, नारियल तोड़ रहे हैं, नारियल तोड़ के नारियल चढ़ा जाता है। तो चलो अक्षय, अक्षय तोड़ के दिखाएगा अभी। एक ही बार में, ओह वाह वाह,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बंदे ने एक ही बार में तोड़ दिया, मेरा नंबर आ गया। भाई भाई भाई, एक बार में दौड़ने का, एक बार दौड़ने से हेलो अगेन। ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ से, यहाँ बांधने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस तरह से बांधते हैं। चलो भाई, मैं एक बहू लूँगा ना, एक बहू लूँगा साथ वाला। अब ये धूप बत्ती है, ठीक है, यहाँ पर जलेगी। मंदिर में पहुँचने के बाद ना, एक चीज़ बड़ी 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 सुंदर है, जो यहाँ का व्यू है ना, बैक व्यू, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और ये जो नीचे देख रहे हो ना नदी, ये खो नदी है। सतबले बाबा मंदिर से नीचे डाउन हो गए, ऊपर मंदिर है। जब डाउन होते हैं बैक साइड आते हैं, तो बैक साइड आने के बाद ना कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट टेम्पल, सेकेंड टेम्पल, और इसके पीछे भी एक टेम्पल है। तो चलते हैं हम लोग, और जाएंगे ना वहाँ पर, भंडारा मिलेगा, भंडारा खाने को मिलेगा। तो ये मंदिर कुछ इस तरह से है नज़ारा। यहाँ पर भी है भीड़। आ गए शनिधाम मंदिर की और, जो मंदिर की बैक साइड है। तो भाई पूजा हो गई समाप्त। पूजा में ज़्यादा कैमरा अलाउ, ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, और फिर ठीक है, थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो और प्योरिटी से अच्छे से वो लोग पूजा करें। अब हम हो गए शुरू, और मैं आपको दिखाता हूँ भंडारा। सो मच रस, बस सब हमारी तरफ पुक्कड़ है। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है 2040 तक बुक है ये भंडारे, और सब हमारी तरफ पुक्कड़ है। और दिन के दो भंडारे बुक है भाई, दिन के दो भंडारे बुक है, और 2040 तक देख रहे हो भीड़ रश। प्लान में चेंज है, प्रोग्राम चेंज कर, हम आए थे भंडारा खाने, भंडारा देव भाई किस कदर लाइन लगी है भैया, सब पुक्कड़ खड़े हैं हमारी तरफ, ठीक है। मंदिर है अभी, हम लोग ना कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ना भी सीरियस, अभी हम सीरियस हैं। वैसे जब मैं पैदा हुआ था तब भी सीरियस नहीं था, पर वैसे अब थोड़ा सा सीरियस हूँ। तो अक्षय बार बार बोल रहा है भैया भैया आप बोल क्यों नहीं रहे हो ये वगैरह, तो अभी हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, तीर्थ स्थल पे हैं तो ज़्यादा कैमरा चलाना ज़्यादा सही नहीं है, बट फिर भी हमने कोशिश करी कि हम भी सीरियस रहें, साइलेंट रहें। पर जैसी भंडारे की भीड़ देखी ना, कसम के वापस आए हम भाई, मैं सुबह को आऊँगा पर जरूर आऊँगा, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा, और भंडारा खाऊंगा जरूर पक्का, ठीक है। तो छोटे सा यही एक
ट्रिप थी हमारी सिद्धबली की। आज संडे है और संडे का हमारा बड़ा मस्त प्रोग्राम हो गया सेट, ठीक है। और थोड़ा सा एक हिस्ट्रिकल पॉइंट है इसका। हिस्ट्रिकल पॉइंट ये है, ये कोटद्वार की खो नदी में स्थित सिद्धबली बाबा मंदिर धाम है। तो हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको मंदिर के बारे में। मंदिर की हिस्ट्री ऐसी है कि जब पुराने टाइम में ये जब खो नदी थी, जिस जो बैक साइड में मैंने आपको दिखाई है, वो खो नदी के पास में एक ऊंचा टिल्ला था जहाँ पर श्री गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर आकर अपनी इस टिल्ले पर आकर अपनी तपस्या कर रहे थे, सिद्धि प्राप्त कर रहे थे। तो सिद्धि के टाइम श्री बजरंग बली जी ने अपना आकर एक रूप लिया और उनके साथ आकर युद्ध किया। उस युद्ध, वो युद्ध काफ़ी टाइम तक चला। काफ़ी टाइम होने के बाद भी जब कोई हार जीत का परिणाम नहीं निकला तब बजरंग बली जी ने कहा कि हे गुरु गोरखनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? सिद्धि महाराज, तुम्हें बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहीं ठहर जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। तो तब से यहाँ पर एक पॉइंट बन गया सिद्धबली मंदिर का। टाइम से ये कहते हैं कि बजरंग बली जी यहीं पर आकर अपना स्टे हो गए थे, यहीं पर आकर रुक गए थे। और रुकने के बाद अंग्रेजों के टाइम में आकर एक मंदिर स्थापना हो गई थी और तब से मंदिर ये सिद्धबली धाम बन रहा है। और यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं, आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो कहाँ कहाँ तक लोग आते हैं। साउथ इंडिया साइड से केरला और ये आपका चेन्नई, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक के लोग बाग आते हैं। और एक आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। जानकारी ये है कि जो मैंने आपको भंडारा दिखाया, उस भंडारे में 2040 तक बुक है कंटिन्यूसली, वो भी दिन में दो दो। तो अगर मैं या आप सोचें ना कि यहाँ पर हम लोग वो बनाना चाहते हैं, भंडारा करना चाहते हैं या, तो हमारा नंबर अभी तक नहीं आएगा। 2040 के बाद हमारा नंबर आना आएगा ये हमें भी नहीं पता है कब आएगा, बट 2040 तक ये बुक है। तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया है, अब हम आ गए हैं। एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ संडे में। हम आ गए मंदिर से नीचे। भाई ने टैक्स दिया है, क्या दिया है टैक्स? क्या करना है मुझे? प्रसाद बेचना है। प्रसाद बेचना है, ठीक है, तो बेचो फिर। क्या ये कितने का? 50 और वाला भैया आ जा रहे प्रसाद। सोनी बहू भी लेके, सोनी बहू भी लेके बेचने। क्या उन्होंने ले लो प्रसाद, प्रसाद मैम, प्रसाद मैम, प्लीज प्रसाद, प्रसाद मैम, प्रसाद ले लीजिए मैम, प्लीज मैम, कंटेंट खराब हो जाएगा। प्रसाद सर प्लीज, भाई प्रसाद भाई, सर 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 प्रसाद सर, मैम भाई, सुबह से आलू भी खाना खाना, एक प्रसाद तो दिख जा, सच्चे दिल से बोलता हूँ। भैया प्रसाद, हाँ जूते चप्पल आते भेज दिया भाई, भाई की मेहनत सफल हुई आखिर में। तो भाई भाई ने टास्क कंप्लीट कर दिया। एक दो तीन चार पाँच 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 चार पाँच प्रसाद।
चलो भाई, ओके ओके ब्रदर, छोटे मजा आया, ठीक है, ओके बाय, हाथ मिलाओ। ये क्या नाम है आपका? ऐसे करो ऐसे करो। हाँ प्रिया, प्रिया ठीक है आप? प्रसाद भी का आपका? हाँ। बढ़िया। तो भाई जाते जाते पुण्य कमा लिया, अच्छा प्रसाद भेज दे, क्योंकि भाई सेल्स का बंदा हूँ, एकदम भेज देता हूँ, और भेज भी दिया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम चलते हैं ऊपर और लेते हैं मजा।